सब्सक्राइब करिए हाई फाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं अपने इंग्लिश के एक नए टॉपिक को। जैसा कि सभी को पता है कि टेंस कंप्लीट करा दिए गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंप्लीट हो गया, एक्टिव पैसिव कंप्लीट हो गया, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमें पढ़ना क्या है दोस्तों, तो पार्ट ऑफ स्पीच, और यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप देख चुके होंगे, जो मैंने मॉडल पेपर कराया उसमें सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के थे, और वहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक वाले जो क्वेश्चन आते हैं, करेक्ट प्रीपोजिशन पूछ लेता है, कंजंक्शन भी पूछ सकता है, और आपसे दोस्तों वहाँ पर करेक्ट वर्ब पूछता है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी। तो सारा कुछ हम यहीं पर सीखेंगे, एक एक पार्ट को डिस्कस करते हुए चले जाएंगे। सभी को पता, पार्ट ऑफ स्पीच में टोटल 8 पार्ट होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच के 8 भाग होते हैं, कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ये होते आपके 8। तो आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक होने वाला है, वो टॉपिक होगा दोस्तों नाउन। ये पहला होगा हमारा टॉपिक जिसको बोलते हैं हिंदी में संज्ञा। नाउन को दोस्तों हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। अब संज्ञा क्या होती है, इसकी परिभाषा तो लिखने को आएगी नहीं, एकदम कंफर्म है, लेकिन हम समझने का प्रयास करेंगे कि संज्ञा होता क्या है। तो हिंदी में बात कर लें तो संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक उसी प्रकार इंग्लिश में भी इसकी डिफिनेशन बहुत ही सुंदर बनाई गई है कि अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस आर थिंग इज कॉल्ड नाउन। यानी जो आपका नाम होता है, पर्सन होता है, प्लेस होता है, उन सभी के नाम को हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसको हम नाउन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? नाउन। कोई भी वस्तु अगर जिसका हम नाम है, जिसका अस्तित्व है, इस पूरी दुनिया में ऐसी कोई वस्तु जिसका अस्तित्व है, वो क्या हो जाएगी? नाउन हो जाएगी। तो नाउन की एक शॉर्टकट परिभाषा भी है कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाउन इज क्या है दोस्तों? नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाउन है आपका, ये आपका दोस्तों नेमिंग वर्ड है। ये क्या है? आपका नेमिंग वर्ड है। नाउन आपका एक नेमिंग वर्ड है। अब जैसे मैं बात कर लूँ दोस्तों, एग्जांपल के लिए मैं बता दूँ, जैसे मैंने लिखा राम, अब ये बताओ राम क्या है? एक नाउन है, क्योंकि राम प्रॉपर एक व्यक्ति की बात हो रही ना, वो हम अभी बात करेंगे टाइप ऑफ नाउन्स की, या काइंड्स ऑफ नाउन कह लीजिए आप, वो भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये राम क्या है? एक नाउन है। ये मार्कर है मेरे पास, मार्कर क्या है? नाउन है, क्योंकि ये इसका अस्तित्व है। फोन आपका क्या है? नाउन है, उसका भी अस्तित्व है। तो नाउन क्या होता है आप सीख चुके हो। अब इसके टाइप जो होते हैं उनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। पहला दोस्तों टाइप जो बात कर ले, तो नाउन का पहला टाइप क्या होता है, जिसको बोलते हैं हम प्रॉपर नाउन। जिसको क्या बोलते हैं भाई? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को मतलब हिंदी में क्या कहते हैं? तो हिंदी में इसको कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा हम इसको बोलते हैं हिंदी में, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब दोस्तों जैसा नाम वैसा काम। अगर नाम आप पढ़ पा रहे हो, नाम का सेंस समझ पा रहे हो, तो आधा काम आपका खत्म हो जाता है। पर प्रॉपर मतलब कि प्रॉपर किसी एक चीज़ की बात की जाएगी, वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे मैं कह लूँ दोस्तों राम, मैंने अभी एग्जांपल ऊपर दिया है, मैं कह लूँ राम, तो राम क्या है आपका? प्रॉपर एक व्यक्ति है ना, राम प्रॉपर एक व्यक्ति है, वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे मैं कह दूँ दोस्तों दिल्ली, मैंने कह दिया दिल्ली, अब दिल्ली क्या है आपका? एक स्थान है, एक स्थान है, प्रॉपर एक स्थान है, सभी को पता है इंडिया की कैपिटल है दिल्ली। तो दिल्ली एक स्थान है ना, उसको हम कहीं और तो शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। बात क्लियर समझ पा रहे हो ना? यानी प्रॉपर नाउन वे नाउन होंगे जिसमें हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, अब जरूरी नहीं व्यक्ति में आप मैं नहीं रखो, फीमेल भी हो सकता है। जैसे मैंने दोस्तों कह दिया गर्ल, अब ये गर्ल क्या है? लड़की क्या है? लड़की, अच्छा लड़की क्या है ये बताओ, ये लड़की क्या आपका प्रॉपर नाउन में आएगा? ये लड़की आपका प्रॉपर नाउन में आएगा? ये नहीं आएगा प्रॉपर नाउन में।
क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये लड़की जो हो जाएगी आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर कोई एक प्रॉपर लड़की है, प्रॉपर लड़के का मतलब जैसे मैंने कह दिया कि सीता एक लड़की है, मैंने कह दिया सीता, तो सीता लड़की तो है बिल्कुल क्लियर, लेकिन वो प्रॉपर एक लड़की है, तो इसीलिए प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल होते हैं। इनके सामने हम ETC लगा देंगे, यानी और भी काफ़ी सारे होंगे। तो फर्स्ट टाइप आपके समझ में आ चुका होगा, बिल्कुल टुच्चा सा टॉपिक होता है, नाउन प्रोनाउन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, उसके बाद वर्ब भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो जो चीज़ें हैं समझाने वाली वो मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा। दूसरा दोस्तों, जो सेकंड टाइप होता है, प्रॉपर नाउन के बाद क्या आता है? कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन के बाद क्या आता है? कॉमन नाउन, जिसका जिक्र मैंने अभी गर्ल में किया था। कॉमन का मतलब क्या होता है? कॉमन मतलब जाति, तो इसको बोलते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं हम लोग जातिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन को बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। अब जाति क्या हो जाएगा? मतलब किसी एक कास्ट की बात, जिसमें कई सारे लोग आए। जैसे मैं कह दूं दोस्तों मैन, मैंने क्या कह दिया? मैन। अब मैन मतलब क्या होता है बोलो? मैन मतलब क्या होता है? आदमी। मैन मतलब क्या होता है? आदमी होता है ना, और आदमी में कई सारे होते हैं, बुढ़े भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, ठीक है ना, सारे कई सारे, तो राम भी आएगा, मोहन भी आएगा, नहीं कई लोगों का एक जो है समूह है, जो एक जाति है, वो क्या हो जाएगी? आपकी मैन हो जाएगी, और जातिवाचक मतलब कॉमन नाउन हो जाएगा। क्लियर बात हो गई ना? ये आपका हो गया कॉमन नाउन। राम क्या हो गया दोस्तों? आपका कॉमन नाउन हो गया। जैसे मैन क्या हो गया? कॉमन नाउन। अब जैसे मैन के बाद मैं एक और बता दूँ, ओमेन। जैसे मैंने कह दिया ओमेन, अब ओमेन तो भाई आपका क्या है? ओमेन तो भी आपका क्या है? यह भी तो आपका दोस्तों कॉमन नाउन है, औरतें, लड़कियां। अब लड़कियां भी कुछ की शादी हो गई होगी, कुछ की नहीं होगी, कुछ अभी बच्ची ही होंगी, तो ये सब क्या हो जाएंगे? ओमेन आपका कॉमन नाउन में आ जाएगा। ऐसे कई सारे जो एग्जांपल हैं वो अभी मैं आपको कराऊंगा, बस अभी यहाँ थोड़ा सा पेशेंस दोस्तों रखना, मैं चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बस, ठीक है ना। तीसरा दोस्तों जो टाइप आएगा, तीसरा, इसको बोलते हैं हम कलेक्टिव नाउन। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है? कलेक्टिव, कलेक्ट करना, चीज़ों को एकत्रित करना, और जब एकत्रित करोगे तब क्या हो जाएगा? आपका समूह बन जाएगा। एकत्रित करोगे तो आपका समूह बन जाएगा, और जब समूह बनेगा तो हिंदी में इसका नाम भी हम रख देते हैं समूहवाचक संज्ञा। इसको क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। अब दोस्तों एक बात जरा यहाँ से समझना, समूह कब बनेगा? समूह कब बनेगा? जब एक से अधिक लोग होंगे, जब एक से अधिक लोग होंगे तब समूह बनेगा ना। और एक से अधिक लोग होंगे मतलब एक लोग हैं, तो हमने क्या कह दिया? पहला हो गया आपका पीपल। पीपल माने क्या होता है दोस्तों? लोग। अब जब लोग हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो आपका कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, वो आपका कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। पीपल में कैसा नाउन हो गया दोस्तों? पीपल में आपका कलेक्टिव नाउन हो गया है। तो कलेक्टिव नाउन मतलब जहाँ एक से अधिक नाउन आ जाएंगे वो क्या हो जाएगा? समूहवाचक नाउन हो जाएगा, मतलब कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, ठीक है ना। अब दोस्तों आगे जो हमारी बात आती है क्वेश्चन नंबर, जो टाइप नंबर 4 की, टाइप नंबर 4 क्या होता है? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, अब मटेरियल का मतलब दोस्तों क्या होता है? पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा ये आपका क्या होता है? मटेरियल नाउन होता है। अब पदार्थ आपके कौन कौन से हो जाएंगे? पदार्थ मतलब दोस्तों जैसे आप कह दूँ गोल्ड, तो गोल्ड क्या है? आपका एक पदार्थ है, ये गोल्ड हो गया। जैसे मैं कह दूँ वुड, वुड माने क्या होता है? लकड़ी होता है, ये भी क्या हो गया? आपका एक पदार्थ हो गया। मैंने कह दिया सिल्वर, तो सिल्वर क्या हो गया? आपका एक पदार्थ हो गया। सिल्वर क्या हो गया? आपका एक पदार्थ हो गया। यानी कि गोल्ड, वुड, सिल्वर, ये जितने भी आपके मटेरियल होते हैं इन सभी को क्या कहते हैं? हम मटेरियल नाउन के कैटेगरी में रहते हैं। दोस्तों सेंटेंस आपके सामने ऐसे लिख दिया जाएगा जैसे लिख दिया गया कि राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय। तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि नाम जो है, ये जो सेंटेंस लिखा है इसमें पहचान कर बताओ। अगर इसके नीचे अंडरलाइन कर दिया तो आपसे पूछ सकता है कि बॉय कौन सा नाउन है, बॉय कौन सा नाउन है। तो बॉय कौन सा नाउन हो जाएगा भाई? बॉय कौन सा नाउन हो जाएगा? बॉय आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। बॉय कॉमन, लड़के ना, तो बॉय आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा, इसीलिए मैं ये सब बता रहा हूँ। और राम मैं आपसे पूछूँ भाई, नाउन राम भी तो है ना, नाउन ही है, लेकिन कैसा नाउन है? प्रॉपर नाउन है, क्योंकि राम के बारे में बात की गई, तो राम क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ऐसे ही आप देखोगे कोई गुड, गुड आपका क्या हो जाएगा?
गुड एडजेक्टिव हो जाएगा ना, क्योंकि राम कैसा लड़का है, विशेषण जिसको बोलते हैं, जो क्या करता है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। तो संज्ञा की विशेषता गुड बतला रहा है, गुड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बस थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर समझना, ये चार आप समझ चुके हो, इसमें दो मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं, कलेक्टिव नाउन जिसको सॉरी कलेक्टिव बोल रहे हैं काम काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो वो भी हम आज यहाँ पर समझने वाले हैं। तो आइए दोस्तों फिर आगे पहुँचते हैं, यहाँ तक की कहानी आपकी समझ में आ चुकी होगी। चार हो गए हैं, पांचवा जो टाइप होता है जिसको बोलते हैं हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं यानी भाववाचक संज्ञा। देखिए चार हो गया ना, अब जैसे मैं कह दूँ पांचवा का होता है भाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अगर स्पेलिंग दोस्तों मिस्टेक हो जाएगी तो फिर देख लेना, ठीक है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। देखिए एब्स्ट्रैक्ट के बाद एक कंक्रीट भी होता है, ठीक है ना, वो होता है वो, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। भाववाचक संज्ञा में दोस्तों क्या हो जाएगा, मतलब ऐसी संज्ञाएं जिनसे हम भाव अपने प्रकट करें, जिनसे हम अपनी इच्छा व्यक्त करें, वो क्या कहलाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे दोस्तों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे। जैसे मैं बात करूं दोस्तों हॉनेस्टी, मैंने कहा हॉनेस्टी, अब ये बताओ हॉनेस्टी क्या है, हॉनेस्टी क्या है, हॉनेस्टी की हिंदी क्या होती, ईमानदारी, ईमानदारी ही तो ना होती है भाई, ईमानदारी, ईमानदारी क्या, ईमानदारी को आप छू सकते हो, ईमानदारी को आप छू सकते हो नहीं, आप भाव व्यक्त कर सकते हो, आप इच्छा बता सकते हो, अपने को बता सकते हो कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, आप अपने दोस्त को बता सकते हो बहुत ईमानदार हूँ, ठीक है ना। लेकिन आप ये देखोगे मैंने केवल भाव व्यक्त कर रहे हैं हम, तो जब भाव व्यक्त कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा सर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, यानी भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे मैंने कह दिया दोस्तों हैप्पीनेस, जैसे मैंने कह दिया हैप्पीनेस, हैप्पीनेस कह दिया, तो हैप्पीनेस आपका कैसे नाउन हो जाएगा, हैप्पीनेस आपका एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, मतलब प्रसन्नता, प्रसन्नता ना, तो प्रसन्नता क्या है आपका एक हैप्पी, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। बात दोस्तों यहाँ तक की क्लियर है, किसी भी साथी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आगे देखो छः नंबर देखते हैं, जो छः नंबर इसमें आता है वो आता है दोस्तों छः नंबर काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन। अब देखो काउंटेबल नाउन का मतलब क्या होता है, काउंट करना, काउंट करने का मतलब क्या होता है, जिसको गिन सकें, जिसको गिन सकें, यहाँ हम हिंदी में यहाँ पर लिखे दे रहे हैं कि जिसको काउंट किया जा सके, जिसको काउंट किया जा सके, वो क्या होते हैं सारे, वो सारे काउंटेबल के अंतर्गत आते हैं। और याद रखना काउंटेबल और अनकाउंटेबल ये आपके इन्हीं में से होंगे, जो पाँच टाइप आपने पढ़ा है ना, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उन्हीं में से ये चुने जाते हैं कि कौन सा काम काउंटेबल है, कौन सा अनकाउंटेबल है। अब एग्जांपल से मैं ऐसे आपसे पूछ लूँ कि ये बताओ जरा, मैंने कहा बॉय, मैंने कहा बॉय, अब आपको कहे सर बॉय ये तो कॉमन नाउन है, ये कलेक्टिव काउंटेबल नाउन कैसे, अरे भाई मैंने अभी बताया ना, तो देखो बॉय, आप बॉय को गिन सकते हो कि एक हैं, दो हैं, तीन हैं, दस हैं, बीस हैं, सौ हैं, कितने भी हैं, लेकिन आप लड़कों को गिन सकते हो, लड़कों को क्या कर सकते हो सर, गिन सकते हो। तो लड़कों को जब गिन लोगे तो क्या हो जाएगा, काउंटेबल नाउन हो जाएगा, होगा ना। जैसे मैं आपसे कह दूँ पेन, आप पेन को गिन सकते हो ना, कितने पेन हैं, एक हैं, दो हैं, जितने भी हैं, आप पेन को गिन सकते हो, तो पेन क्या हो जाएगा, काउंटेबल नाउन हो जाएगा। जैसे मैं कह दूँ दोस्तों कि फ़ोन, मैंने कह दिया फ़ोन, अब फ़ोन भी आप गिन सकते हो ना, किसी आप शॉप में जाओगे तो आप गिन कर बता सकते हो कि कितने फ़ोन हैं, तो फ़ोन भी हमारा क्या आ जाएगा, काउंटेबल, यानी इतना समझो कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन बोलते हैं, यानी जिसकी गणना कर सकते हैं, ठीक है ना भाई। अब इसी में दोस्तों एक और आता है अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल आता है वो क्या होता है, अगर काउंटेबल समझ गए हो तो अनकाउंटेबल इसका जस्ट अपोजिट कर दोगे, अनकाउंटेबल क्या कर दोगे सर, इसका जस्ट अपोजिट कर दोगे, ठीक है ना। अगला कौन सा आता है, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन, मतलब जिस संज्ञा को या जिस नाउन को, जिस संज्ञा को काउंट ना किया जा सके, काउंट ना किया जा सके, वो क्या कहलाएंगे, वो आपके कहलाएंगे अनकाउंटेबल नाउन, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता है। अब देखो
जैसे दोस्तों मैंने कह दिया वाटर, वाटर को आप काउंट कर सकते हो? वाटर को आप काउंट कर सकते हो? नहीं। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर हम वाटर को काउंट नहीं कर सकते हैं, बट वाटर को हम नाप सकते हैं। नाप सकते हैं कि 1 लीटर पानी, 2 लीटर पानी, 2.5 लीटर पानी मैं नाप सकता हूँ, और मैं इसको वेट भी कर सकता हूँ ना, इसका भार भी पता कर सकता हूँ कि 1 किलो वाटर, 2 किलो वाटर, ऐसे हम करके पता कर सकते हैं। बट वैसे किलो में वाटर नहीं है, हम तो लीटर में नापते हैं, ठीक है ना। तो वाटर क्या हो जाएगा आपका? अनकाउंटेबल नाउन। इसको आप नहीं गिन सकते हो क्या? गिन सकते हो आप? एक पूरा ग्लास वाटर लीजिए, इसको आप अगर बूंद बूंद गिरना स्टार्ट करो, गिनना स्टार्ट करोगे तो फिर हो सकता है कि पीढ़ी बीत जाएगी, लेकिन आप गिन नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो वाटर किस में आ जाएगा? अनकाउंटेबल में आ जाएगा। जैसे मैं बात करूँ दोस्तों, हवा, एयर, एयर को गिन सकते हो? हवा को गिन सकते हो? हवा आपकी नाउन है, संज्ञा है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हवा को क्या आप गिन सकते हो? सर नहीं गिन सकते हो। आप ये कह सकते हो कि पूरब से पश्चिम चल रही है, उत्तर से दक्षिण चल रही है, ये सब बता सकते हो। तेज चल रही है, धीरे चल रही है, ये सारी चीज़ें बता सकते हो। लेकिन आप सर गिन नहीं सकते हो, आप इसको गिन नहीं सकते हो। गिन सकते हो कि नहीं गिन सकते हो? नहीं ना गिन सकते हो। तो ये दोस्तों बेसिकली आपके जो टाइप थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अब हम एक एक एग्जांपल लिखेंगे और आपसे पूछते हुए जाएंगे, ठीक है ना। एक एक एग्जांपल लिखेंगे और आपसे पूछते हुए जाएंगे कि इसमें कौन सा आपका नाउन है और कौन सा नाउन है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े भाई। चलिए मैं आपसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखूँगा और पूछूँगा कि कौन कौन से नाउन है। जैसे दोस्तों मैंने पहला लिख दिया, पहला आपसे जैसे मैंने लिख दिया गूगल, GOOGLE, गूगल में बताओ कौन सा नाउन है, गूगल में बताओ कौन सा नाउन है, ठीक है ना। गूगल के बाद हो गया दोस्तों, उसके बाद जैसे मैंने कह दिया टीचर, गूगल के बाद मैंने कह दिया टीचर, सब में आपको बताना है ना। गूगल हो गया, टीचर हो गया, और जब मैं यहाँ से कह दूँ दोस्तों लव, मैंने कह दिया लव, और एक क्या है आपका लव के बाद दोस्तों मैंने कह दिया ट्रूथ, ट्रूथ शब्द में बताना है आपको, ठीक है ना। लव हो गया, ट्रूथ हो गया, मैंने कह दिया कार, कार हो गया, मैंने कह दिया ग्लास, ग्लास हो गया, ठीक है ना। ये कार हो गया, ग्लास हो गया, उसके बाद जैसे मैं कह दूँ मनी, मनी इसमें आपको फटाफट बताना है कि कौन सा नाउन है, गूगल में कौन सा नाउन है, टीचर में कौन सा है, लव में कौन सा, ट्रूथ में कौन सा, कार में कौन सा, ग्लास में कौन सा, और मनी में कौन सा, ठीक है ना। ऐसे करके मैं जैसे दोस्तों आपसे बता दूँ कि साल्ट, साल्ट। अब आप यहाँ से फटाफट तरीके से बताइए सर कि कौन सा नाउन है। गूगल, गूगल क्या है? गूगल आपका एक सर्च इंजन है, गूगल आपका एक सर्च इंजन है। इंजन मतलब वो नहीं जिससे हम खेतों में पानी लगाते हैं, एक चीज़ों को खोजने का क्या है हमारा एक इंजन है, ठीक है ना भाई। अब आपको पता क्या करना है कि गूगल हमारा कैसा नाउन है। जितने भी साथी बता रहे हैं कि गूगल हमारा क्या होता है दोस्तों, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है। गूगल क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। देखो गूगल भी सर्च इंजन है, इंटरनेट भी सर्च इंजन है। अब ऐसे कहोगे ओपेरा मिनी भी है, यूसी ब्राउजर भी है ना, एक्सप्लोर, इंटरनेट एक्सप्लोर भी है, और वो है दोस्तों फायरबॉक्स, कई सारे सर्च इंजन होते हैं। लेकिन प्रॉपर बात किया गया है किसकी? गूगल की। तो गूगल की प्रॉपर बात किया गया मतलब सर कौन सा हो जाएगा नाउन यहाँ पर? यहाँ पर आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। मैं बात करूँ टीचर, टीचर में कौन सा होगा भाई? गूगल में तो सबका आ गया होगा, कौन सा आया है? प्रॉपर आया ना गूगल में। चलिए अब आप टीचर में बताइए कि टीचर में कौन सा नाउन हो जाएगा, टीचर में कौन सा नाउन हो जाएगा, जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। देखो टीचर, आपने देखा होगा कि टीचर मेल भी हैं, टीचर फीमेल भी हैं। टीचर भाई मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, और मेल फीमेल में कुछ की शादी हो गई, कुछ की नहीं हो गई, कुछ एकदम बुढ़े हो गए हैं। तो कहने का मतलब टीचर क्या हो जाएगा? टीचर भाई, टीचर में मेल फीमेल दोनों आ रहा है, तो टीचर क्या हो जाएगा? एक हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा, क्योंकि टीचर एक अपने आप में जाति है जिसमें मेल भी आता है और फीमेल भी आता है। तो टीचर क्या हो जाएगा दोस्तों? कॉमन नाउन हो जाएगा टीचर, टीचर आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। मैंने बोला लव, लव क्या है आपका? लव इसमें कौन सा नाउन है? लव मतलब क्या होता है दोस्तों? प्यार। लव मतलब प्यार। अब ये बताओ जरा कि प्यार को क्या आप छू सकते हो? आप प्यार को छू सकते हो या आप प्यार निकाल कर दिखा सकते हो, है ना? ये तो बहुत मजाक वाली बात हो गई कि किसी को आपको, आप किसी को बहुत ही
सच्चे दिल से मानते हैं, सपोज दैट मानते हैं, और आपकी वो केयर नहीं करता है, तो आप क्या शरीर से कुछ निकाल कर दिखा दोगे? वो सब पुराने ज़माने की बातें जाने दो, है ना, जो हम लोग सुने हैं, आप लोग भी सुने हो, कुछ लोगों ने दिल निकाल कर दे दिया था, फलाना ढिमका, वो सब फालतू की बातें हैं। लेकिन बात कर ले यहाँ पर, तो लव को फील किया जाता है, महसूस किया जाता है, है ना। लोग कहते नहीं भाई महसूस कीजिए, तो लव क्या हो जाएगा आपका, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा सर। लव क्या हो जाएगा आपका, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। बोलो, चीज़ें एकदम क्लियर हैं, समझ में आ रही होंगी आपकी, मैं उम्मीद करता हूँ। ट्रुथ क्या हो जाएगा, ट्रुथ का हिंदी अर्थ क्या होता है, सच, ट्रुथ या फॉल्स, सच। अब ये बताइए जरा, सच, अब सच को हम क्या कर सकते हैं सर, सच को हम किसी को दिखा सकते हैं कि देखो भाई मेरे अंदर इतना सच्चाई है, दिखा सकते हैं? नहीं, वो आप बोलकर, वो आप क्या करोगे, लोगों को महसूस कराओगे कि यार मैं सच बोलता हूँ, मेरे अंदर जो बहुत सच्चाई है, तो ये चीज़ें लोगों को आप फील कराओगे, या फिर दूसरे से आप खुद फील करोगे। तो ट्रुथ भी क्या हो जाएगा सर, यह भी हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ट्रुथ भी क्या हो जाएगा, एक हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। कार, कार की बात कर लें, तो कार क्या है, कार, कार मतलब क्या होता है सर, गाड़ी, है ना, गाड़ी समझ लें, गाड़ी या कार ही समझें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कार आपका कौन सा नाउन है, कार क्या हो जाएगा, कार की बात करें तो कार आपका एक कॉमन नाउन हो जाएगा। कार क्या हो जाएगा, एक कॉमन नाउन हो जाएगा ना, एक कॉमन नाउन हो जाएगा कार। अब कहोगे सर ये कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा कैसे हो गई, जातिवाचक संज्ञा कैसे हो गई, क्योंकि बात को ज़रा दोस्तों समझना, कार, कार कई कंपनियां की होती हैं, कई कंपनियों की कार होती है ना। जैसे हम बात कर लें कि छोटी कारें भी होती हैं, कोई कोई BMW से भी चलता है ना, ऑडी से चलता है, कार वो सब आएंगी तो कार की ही श्रेणी में, तो कार क्या हो जाएगा, एक कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात है, कभी कभी इस जो कार है ना, इसका सेंस, इसी चीज़ का जो कार लिखा है आपका, मैं इस तरफ लिख रहा हूँ कार, इसका ये आप एक प्रश्न बताओ कि कार, कॉमन नाउन के सिवा कार कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन के सिवा कार आपका कौन सा नाउन है, ये जरा बताओ, कॉमन नाउन के सिवा कार का कौन सा नाउन है। तो आप बताओगे कार सर कॉमन नाउन तो है ही, साथ में ये हमारा काउंटेबल नाउन भी है, काउंटेबल नाउन है कि नहीं है, काउंटेबल नाउन है ना। क्यों है काउंटेबल नाउन, क्योंकि सर कारों को गिन सकते हैं शोरूम में कितने कार हैं। मैं बात करूं गूगल के, आपका काउंटेबल नाउन है, गूगल के आपका काउंटेबल नाउन है, नहीं, आप गूगल में थोड़ी नहीं गिन सकते हो, या गूगल आप गिन सकते हो कि नहीं गिन सकते हो, बिल्कुल गिन सकते हो, है ना। गूगल अगर एक है तो गूगल को गिन सकते हो, लेकिन अगर गूगल की भीतरी बातों को गिनने को कह दिया जाए तो आप गूगल को नहीं गिन सकते हो, क्योंकि भीतरी बातें पता नहीं उसमें क्या क्या कचड़ा भरा पड़ा है, कुछ भी सर्च कर लेंगे सब आ जाएगा, तो हम भीतरी ज्ञान नहीं ले सकते ना। लेकिन बाहरी ज्ञान से अगर हम पता करें तो गूगल हमारा क्या हो जाएगा, एक काउंटेबल नाउन हो जाएगा। काउंटेबल मतलब गूगल की गणना हम कर सकते हैं, बाहर से गिन सकते हैं कि गूगल एक है या गूगल को छोटा भाई भी है, ठीक है ना। ऐसे दोस्तों मैं बात करूँ ग्लास, ग्लास क्या हो जाएगा, इसका जवाब आप कमेंट में दोगे। ग्लास जो है इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि ग्लास का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दोगे। ऐसे करके मैंने बताया मनी, मनी क्या है, पैसा, पैसा आजकल इसका बहुत इंपॉर्टेंस है दोस्त, इसका बहुत महत्व, अगर ये है तो समझ लीजिए दुनिया आपके साथ है, अगर ये है तब, अगर ज्ञान भी ना हो ना ये हो तो भी सब कुछ सही है, लेकिन गलत बात है। हमने कल एक बात बताई थी, हो सकता है सभी को पता हो, मैथ की क्लास में हमने बताया था, कुछ लोग क्या करते हैं अपनी किसी न किसी चीज़ की गर्मी दिखाया करते हैं, किसी न किसी चीज़ की गर्मी दिखाया करते हैं। लेकिन याद रखना दोस्तों, गर्मी केवल सप्ताह या महीने की बात कर लें, साल की बात कर लें, तो कुछ ही दिनों के लिए रहती है, डेली नहीं रहती है, है ना। मनी क्या हो जाएगा, मनी में ये मैं बात करूँ, ये दोस्तों बड़े बड़े पेपरों में मनी वाला आ जाता है, मनी वाला बड़े बड़े पेपरों में आ जाता है। अभी हम कुछ टाइम पहले पेपर अपना सॉल्व कर रहे थे SSC का, उसमें मनी पूछा था कि मनी कौन सा नाउन है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग नाउन, कभी कभी हम नाउन के अकॉर्डिंग क्या हेल्पिंग वर्ब भी तो यूज़ करते हैं, तो इसीलिए वहाँ पर याद रखना था आपको कि मनी आपका काउंटेबल नाउन नहीं होगा। अब आप सोचोगे कि सर मनी को तो हम गिन सकते हैं कि 1,000 है, 2,000 है, 3,000 है, ये तो गिन सकते हो ना मनी को। लेकिन दोस्तों मनी को आप नहीं गिन सकते हो, पैसे को नहीं गिन सकते हो, आप इनके अंदर, मनी के अंदर आप नोट को गिन सकते हो, और इनके अंदर कॉइन्स को गिन सकते हो, नोट को और कॉइन्स को गिन सकते हो, सिक्कों को और
नोटों को गिन सकते हो लेकिन आप मनी को नहीं गिन सकते हो। तो इसीलिए अगर मैं बात करूँ मनी की, तो मनी किसकी श्रेणी में आएगा? मनी आपका अनकाउंटेबल की श्रेणी में आ जाता है। मनी आपका अनकाउंटेबल की श्रेणी में आ जाता है। मैं बात करूँ साल्ट की, साल्ट क्या है? नमक। नमक कैसा नाउन हो जाएगा? नमक कैसा नाउन हो जाएगा? तो नमक को क्या हम गिन सकते हैं? नमक को क्या गिन सकते हैं बताओ? अब कुछ लोग सोचेंगे कि सर एक नमक आता है जो रोड़ी में होता है ना, एक होता है कि अब जो एकदम पीसा हुआ आता है, तो पीसे वाले को तो नहीं गिन सकते लेकिन उसको गिन सकते हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ी नहीं कहा गया कि वो नमक है वो नमक, बस नमक कहा गया। तो नमक का मतलब अनकाउंटेबल, हम इसको गिन नहीं सकते हैं। अनकाउंटेबल मतलब हम इसको गिन नहीं सकते हैं। तो आई होप आपको ये जो नाउन का टॉपिक था वो क्लियर हुआ होगा दोस्तों, उम्मीद यही करते हैं। अगर दोस्तों समझ में आया है तो ज़रूर बताना। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक था, मैंने फुल एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है ना भाई। बाकी चलिए मिलेंगे 8 बजे की क्लास में, तब तक के लिए सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।